भैया टोनी कक्कर ने गौरव तनेजा के लिए कुछ डाला है। गौरव तनेजा को तो आप सभी जानते ही होंगे, जी हाँ फ्लाइंग बीस्ट। जी हाँ, उनके ही एक वीडियो को टोनी कक्कर ने शेयर करते हुए लिखा, दिस मेड माई डे गौरव तनेजा भाई, आई वाना मीट द क्यूटेस्ट रश्मि, प्लीज मेक इट पॉसिबल वॉचिंग हर वीडियो ऑन लूप। जी हाँ, असल में टोनी कक्कर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए गौरव तनेजा से रस्सी से मिलने के लिए कहा है और कह रहे हैं कि वो इस वीडियो को लूप पर सुन रहे हैं। जी हाँ, असल में इस वीडियो में जो रस्सी है वो बार बार एक ही चीज बोल रही है, पापा मैं, पापा मैं। हाँ, असल में वो बात कर रहे होते हैं उसके गाने के बारे में, क्योंकि वो हमेशा सिर्फ एक ही गाना सुनती है धीमे धीमे, और तभी वो कहते नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए वीडियो। जब मैं कॉलेज में था तो मेरी आदत थी कि मैं एक ही गाना, पापा को ब्लॉक तो करने दो, मेरी आदत थी कि मैं एक ही गाना अपने रूम में बजा के कंप्यूटर पे चलाता था। अगर मैं 6 घंटे के लिए भी दूर तो हाई वॉल्यूम पे एक ही गाना, मेरे रूममेट परेशान रहते कि सेम गाना वही इसमें है तू पापा की लड़की, एक ही गाना पिछले एक साल से एक ही गाना सुनती है। ये कौन सा सीखे, धीमे धीमे ये वही गाना सुन रही है एक साल से, अगले 5 साल तक वही सुनेगी। पोलाइटली कैसे बोलते पापा को, दिमेला दो। अब इस पर नेहा कक्कर ने भी कमेंट किया और साथ में लिखा, ओ माय गॉड कितनी प्यारी है भाई, प्यारी तो है ही रस्सी, अब इतने फैंस जो बन गए हैं उसके, वही फैंस तो ये तक कहते हैं कि इसका भी एक यूट्यूब चैनल बना दो, फिर देखो कमाल। जी हाँ, फैन कहाँ है, अब ये डायलॉग तो आपको याद ही होगा, रस्सी का सबसे फेवरेट डायलॉग। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं रस्सी आपको कितनी प्यारी लगती है, और साथ ही फ्लाइंग बीस्ट के कितने ब्लॉग आप देख चुके हैं, आप जरूर कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।